नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 15 जून 2020 को शक्ति फॉर्म बंगाली एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने वैश्विक महामारी को देखते हुए और कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शक्ति फार्म क्षेत्र में निशुल्क 1000 मास्कों का वितरण किया, जिसमें से बंगाली एकता मंच के अध्यक्ष सुब्रत कुमार विश्वास और बंगाली एकता मंच कार्यकर्ता शक्ति फार्म क्षेत्र के चौकी इंचार्ज महोदय को 100 मास्क शक्ति फार्म चौकी में सहयोग देकर कार्य का शुभारंभ किया, जिससे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से आम जनमानस और कोरोना वॉरियर्स को इस महामारी से लड़ने की शक्ति प्रदान की। और वहीं शक्ति फार्म क्षेत्र के शक्ति फार्म रतन फार्म एक नंबर जेल कैंप सुरेंद्र नगर तेलियापुर और शक्ति फार्म मार्केट के फुटपाथ व्यापारी और ठेली व्यापारी सब्जी विक्रेता दुकानदारों को मास्क का वितरण कर उनको कोरोना वायरस जैसे महामारी से इस प्रकार लड़ने से अवगत कराया। शक्ति फार्म की बंगाली एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने बंगाली एकता मंच के शक्ति फार्म के क्षेत्र के मीडिया प्रभारी आशीष मलिक और कार्यकर्ताओं ने इसी के साथ लोगों से अपील की है कि किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार जैसे कोई भी लक्षण हो तो उससे डरे नहीं, अपने आसपास के जांच केंद्र में जाकर या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना स्वास्थ्य का चेकअप कराएं। जरूरी नहीं कि इन चीजों से आपको कोरोना वायरस जैसे सिम्टम्स हो, ये सिम्टम्स नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार खांसी के भी हो सकते हैं। और जो भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है आप उनसे भेदभाव ना करें, उनका सहयोग करें, इसको कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने में सहयोग करें और अपने आसपास सफाई रखें और लोगों से दूरी बनाए रखें, जिससे आप भी स्वस्थ रहें। घर का हर व्यक्ति मास्क पहनकर घर से बाहर निकले और बच्चों का बुजुर्गों का खास तौर पर ख्याल रखें। जहां देश के प्रधानमंत्री देश की जनता से ये अपील कर चुके हैं कि देश के लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसलिए शक्ति फार्म क्षेत्र के युवाओं ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से लड़ने का निर्णय लेकर अपने क्षेत्र में मास्क का निर्माण का कार्य शुरू किया, जिसमें उनका सहयोग शक्ति फार्म बंगाली एकता मंच के कार्यकर्ता महिलाओं और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जिसमें इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए निःशुल्क मास्कों का क्षेत्र में वितरण किया गया। पूछो तो तभी तो पता है। हम लोग आज बंगाली एकता मंच भारत की तरफ से उत्तराखंड के शक्ति फार्म क्षेत्र में गांव-गांव जाकर मास्क वितरण का कार्य कर रहे हैं। जो भी कई गरीब परिवार ऐसे हैं जो मास्क खरीद नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम लोग उसी क्षेत्र में जाकर उन कई भाई और भी है इस क्षेत्र से, उनको मिलाकर साथ लेकर हम उन जगहों पर जाकर सबको मास्क वितरण कर रहे हैं और ज़रूरत पड़े तो आगे भी ये ऐसे करते रहेंगे जब तक इस महामारी से मुक्ति न मिल जाए। आज बंगाली एकता मंच भारत के दौरान शक्ति फार्म क्षेत्र में विभिन्न जितने भी यहाँ कॉलोनी हैं जिसमें से अभी कुछ एसपीओ स्पेशल पुलिस बने हैं जो बाहर से जो आए हैं होम क्वारंटीन में, उनके लिए मास्क की उपलब्ध कराए गए हैं बंगाली एकता मंच भारत द्वारा। तो अभी लगभग हमारा सब गांव में दो चार जितने भी हैं लगभग उनको 20 से 25 मास्क उनको दिया जा रहा है, जिससे होम क्वारंटाइन में जो परेशानी आ रही मास्क ही तो उसको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।